आज की रात हम पर बहुत भारी है, ये भी फोन नहीं उठा। फारूक भाई, आप बच्चों की बातों में आके परेशान मत हो। ज़किया पप्पू, चले बस बहुत हो गया। अब प्लीज आप ये बता दीजिए कि वो रिश्ता किन लोगों के थ्रू आया था। बात को छुपाने का कोई फायदा नहीं। देखो बेटा, हमें पिछली बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। कम ऑन ज़किया, मैं 100 दफा आपसे ये बात पूछ चुका और हर बार आप इस बात को टाल देती हैं। क्यों? इस वक्त उन लोगों को छेड़ना मुनासिब नहीं। तो मुझे वहां ले चलो, मैं लारेब को लेके वापस आ जाती हूं। पापा, आई एम रियली सॉरी, आई एम यूजिंग माय पेशेंस। आई मीन, उन लोगों का दबाव है हम पर, वो हमसे सवाल कर रहे हैं, पर ज़किया पप्पू इस बात को छुपाए जा रही है, इसका जवाब ही नहीं दे रही। फारूक भाई, वो हेलो जी, फारूक साहब कैसे हैं? बस आपको ये बताना था कि हमने कार्रवाई शुरू कर दी है और इंशाल्लाह कल तक कुछ इंकशाफात भी करेंगे। मुझे तो सिर्फ लारेब की फिक्र है एसपी साहब। आप फिक्र ना करें, हम हैं ना, बस यही आपको बताना था, कल बात होगी। थैंक यू। कह रहे हैं कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है, सुबह तक बहुत सारे इंकशाफात होंगे। That's great news. इसका मतलब है कि हम इस केस को सॉल्व करने के बहुत करीब हैं। मामा, मेरी तबीयत खराब हो रही है। क्या हुआ? तो मुझे अजीब से चक्कर आ रहे हैं। आई एम नॉट फीलिंग वेल मामा। अच्छा, आओ मैं कमरे में लेके चलती हूँ। एक नया ड्रामा शुरू हो गया, बस एक और कड़ी मिल जाए, उसके बाद हम इस मोहतरमा के पीछे मौजूद गैंग को भी गिरफ्तार कर लेंगे। जी सर। हाँ इमरान, क्या प्रोग्रेस है? सर, लड़की को हमने गिरफ्तार कर लिया है। और बाकी लोगों का क्या किया है? सर, मैं कोशिश कर रहा हूँ, तमाम मुजरिम जल्दी गिरफ्तार हो जाएंगे, पर आप फिक्र ना करें, लारेब को हम बचा लेंगे। वेल डन, ट्राई योर लेवल बेस्ट, कीप इन टच। बबली, तूने तो ना मुझे भी लत लगा दिया ईमान से। लेकिन मजा बहुत आता है भाई। सहूलत खान का फोन है।
हेलो। देखो बबली बीबी, अभी थोड़ी देर बाद तुम लोग इधर से निकल जाएगा, मेरा बंदा थोड़ी देर तक तुम तक पहुंच जाएगा, और हाँ जल्दी से तैयारी पकड़ो उधर से निकलने का। हे मगर सहूलत भाई, जाना कहाँ है? आगे से बहस मत करो और बड़ा प्यार से लड़की को राजी करो और जल्दी जल्दी पटा पट अपना सामान बांधो, और हाँ नीलम और चोनी जी को भी अपना साथ ले लो, समझ गया ना? हाँ। रास्तों पे धूल है, फूलों पे क्यों बबूल है, लाखों गम हैं और खुशी जिंदगी के मूल है। रास्तों पे धूल है, फूलों पे क्यों बबूल है, लाखों गम हैं और खुशी जिंदगी के मूल है। सपनों को आग लगी है, दिल को भी लाग लगी है, दरमियां मैं धुआं धुआं हूं। यही होना था तो मुझे रोना था, जो अब यूं तो समझ न आए अब तक मैं हाय फिर क्यों लाडों में पले हाय क्यों लाडों में पली हाय क्यों लाडों में पली। अरे कैसी हो तुम लारे? क्यों आए तुम यहां पे? तुम्हें देखने और तुम्हें यहां से लेके जाने के लिए। लारेब को तैयार कर, सामान भी पैक करना, जल्दी कर। अरे बबली कहां जा रहे हैं? सहूलत खान ने कहा है कि बस 2 घंटे में निकलना है फौरन, और सामान पैक करना, जल्दी करो। ये सहूलत खान भी ना, ना खुद सहूलत से बैठता है, ना किसी और को सहूलत से बैठने देता। तुम यहां से चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानती। बड़े पापा ने भेजा ना तुम्हें? नहीं। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानती। तुम नहीं जानती कि तुम्हारा दिल तो जानता है। तू क्या गेमों में घुसा दे ना, छोड़ ना, चल। वो कब से बोल रही तुझे जा जा जा, और तू फिर पत्तों के अंदर घुसा हुआ, कानों में रुइयां घुसा के सुन रहा ही नहीं है हमारी बात। जा ना, चला जा। पत्ते थे चपदिल, क्या घर से निकाल दिया? तुम घर से निकली हो, लेकिन दिल से तो नहीं निकली ना लारे। नहीं वहाद, वक्त बदल चुका है, मैं वो लारेब नहीं हूँ। अरे मेरी बात सुनो, मैं भी वो वहाद नहीं रहा जो भिष्मा की चालों में आ गया था। प्लीज मेरी बात को समझने की। ओए सोचे, मेरी बीवी है, हाथ लगाया ना तो काट डालूंगा। पिछला शौर है ना, पिछले ही बन के रहे। अगर यहाँ कोई पंगा किया तो छोड़ूंगा नहीं, इलाका है मेरा। ए चुनी भी देख जरा, देख। तुमने भी अगर इसे हाथ लगाया ना तो मैं तुम्हारी जान निकालूंगा। हाय हाय हाय, कौन है ये? पिछले शौहर का पिछली बीवी के लिए प्यार फिर से जाग उठता है? तमीज से बात करो तुम। पापा अब लेके इसे अंदर जाए, मैं छोड़ूंगा नहीं सर। क्या करेगा तू? छोड़ो मुझे। छोड़ूंगा नहीं, मेरी लड़ाई को हाथ मत लगा। तूने प्यार था तो छोड़ा क्यों था तूने? छोड़ो मुझे, चलो ना, चलो चलो। हाँ मुझे लो, चलो मेरे भाज को। मेरी एक बात कान खोल के सुनो, अगर किसी ने लारेब को हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और पुलिस आने वाली है, तुम लोगों को तो सही पूछेगी। दफा कर, शुक्र कर अल्लाह का जान छुटी। भाग राशिद, पिछली गली से भाग, भाग।
समरीन क्यों घबरा रही हो इतना? ये भी जान कुछ समझ में नहीं आ रही, जो भी हुआ बहुत ही बुरा हुआ है। अच्छा जो होना था वो हो गया ना, ये बताओ वो आज कहाँ है? मैं उसे फोन कर रही हूँ, उसका फोन बंद आ रहा है, थाने गया था भीष्मा के साथ। तो थाने फोन करो ना। अच्छा तुम ठहरो, मैं DIG इम्तियाज को फोन करती हूँ। हेलो, हेलो, यहाँ सेंड करें। अभी 5 मिनट रुक जाएं, SP साहब आ रहे हैं। मिस लारे, आपके लिए एक शॉकिंग न्यूज है। सब खैरियत तो है? बस कुछ देर रुक जाएं, SP साहब आ जाएं, वही आपको सब कुछ बता देंगे। देखिए फारूक साहब, आपके घर की बहू कहीं ना कहीं इस जुर्म में शामिल हो गई है। हमारे घर की बहू किस जुर्म में? देखें फारूक साहब, राफिया ने लारैब को घर से निकालने के लिए जिन लोगों का सहारा लिया वो मुजरिम है। अगर हम बर वक्त ना पहुंचते तो लारैब के साथ क्या हो जाता खुदा जाने। लारैब है कैसे? लारैब हमारे साथ है, महफूज है। सर, ये राफिया के उस जुर्म में मामलत के बारे में जानना चाह रहे हैं। देखिए, राफिया इन्वॉल्व तो थी, जिसने आपकी जलसी में इनकी कजन भीष्मा का सहारा लिया और आपको ऐसे लोगों के हवाले किया जो आपको मौत के घाट उतार सकते थे। राफिया और ज़किया को बुलवाओ। क्यों, ऐसा क्या किया उन्होंने? इन औरतों ने वो काम किया है जो दुनिया की बदतरीन औरत नहीं करती। ऐसा क्या किया उन्होंने? समरीन, याद है ना, बार बार तुमसे मैंने कहा था लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। उस लड़की ने वही काटा ना जो उसने बोया था। बस कर दे बीबी जान, शमा का रो रो के बुरा हाल हुआ, वह कुछ तो करें भीष्मा के लिए। बबोल बोकर गुलाबों की तवक्को नहीं की जा सकती बीबी जान। ये भी तो हो सकता है कि भीष्मा के ऊपर जो इल्जाम लगाए गए वो गलत हों। जो लोग अहमकों की जन्नत में रहते हैं ना, वो हमेशा दूसरों के लिए मुसीबतें पैदा करते हैं, जैसे तुम कर रही हो अब। समरीन मान लो मेरी बात, अब भी नहीं मानोगी तो कब मानोगी?
बदनसीब है उसकी माँ जिसने ऐसी शैतान सिफ्त बच्ची पैदा की है। अरे तुम ले आया हो ना मैं वहां से, परेशान मत हो। जी बीबी जान। वहाज कहाँ हो तुम? बीबी जान मैं अभी लारेब को उन लोगों से बचा के लाया हूँ, उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ इसको। किन लोगों से? लंबी कहानी है बीबी जान। मिश्मा ने शादी के बहाने इसे जिन खतरनाक लोगों के हवाले किया था ना, वो तो इसे मारने ही वाले थे। इतना सब कुछ हो गया और हमें कुछ खबर ही नहीं है। क्या कह सकते हैं बीबी जान? वहाज क्या हसन विला वालों को इसकी खबर है? I don't think so. उन्हें कोई आइडिया है? इतने बेखबर लोग। अच्छा तुम ऐसे करो कि लारेब को पहले मेरे पास लेके आओ, मैं खुद उसे लेके वहां जाऊंगी। ठीक है बीबी जान, अल्लाह हाफिज। लारेब, बीबी जान कह रही है पहले मैं तुम्हें घर लेकर आऊं। पापा वो सुबह हो गई है, मैं लारेब को लेने के लिए जा रहा हूँ। एसपी से बात हो गई है मेरी, लारेब ठीक है, उनकी हिफाजत में। फारूक भाई आपने मुझे बुलाया था? राफिया को बुलवाओ। जी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो आराम कर रही है जरा। आप राफिया को बुलवाएं। उठाओ उसे, उठाओ। मैं बुलाती हूँ। क्या हो गया मेरी बेटी को? आज पहली बार मैंने तुम्हें इस घर में रोते हुए देखा है, और वहाज वो तुम्हारी नाअहली की वजह से। बेटा हम सबको माफ कर देना, यहाँ इस घर में तुम्हारे साथ जिसने जो जो भी ज्यादतियाँ की हैं ना, तुम उन्हें माफ कर दो। कुदरत उनसे बदला लेगी, ये मेरा ईमान है। और समरीन, हसन विला वालों की भी कोई खबर लेनी है कि नहीं? अरे कैसे बेहस लोग हैं वो, उनको पता ही नहीं कि उनकी बेटी कहाँ है, किस हाल में है। बड़े बेखबरे लोग हैं। रास्ते में तुम्हें सब कुछ सुनाऊंगी मैं। लारेब बेटा, आई एम सो सॉरी, मुझसे बहुत गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। कहां से शुरू करूं, क्या कहूं? मेरा तो अपना सर शर्म से झुके जा रहा है। कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरी ये बहन और उसकी बेटी एक बेजरर लड़की को कत्ल करने की साजिश करेंगे। क्या क्या कसूर था उस बेचारे का? क्या किया था उसने तुम्हारा? एक मासूम फूलों की तरह बच्ची को तुमने कातिलों के हवाले कर दिया। मेरी बेटी ने ऐसा कुछ नहीं किया। बात मत करो, शक्ल नहीं देखना चाहता तुम्हारी मैं। ज़किया पप्पू आप तो कुछ भी मत बोलिए प्लीज, आप लोग तो अब हमारी नफरत के काबिल में नहीं है। बल्कि एक काम कीजिए, अपनी बेटी को उठाइए और हमारे घर से कहीं दूर चले जाए। मेरे सर पे पगड़ी नहीं है जो तुम्हारे पैरों में रख दूं बेटा, सर हाजिर है, जितने जूते चाहे मार लो। इकराम मामू, बड़े छोटों से माफी नहीं मांगते। मेरे साथ जो कुछ हुआ मेरे नसीब में लिखा था। वाह, सबर की हर हद से गुजर गई तू। इतना सबर भी अच्छा नहीं होता कि लोग रौंद के गुजर जाए और फिर भी तुम्हारे लबों से दुआ निकले। फारूक मियां, क्या आप जानते हैं कि आपकी बेटी किन मुश्किलात में घिर के
जिंदा सलामत आज आप तक पहुंची, और अगर वह आज वहां वक्त पर ना पहुंचता तो आपके ये बहने वाले आंसू पहुंचने वाला यहां कोई भी ना होता। बस फारूक मियां चलते हैं, आपकी अमानत आप तक पहुंचाने आए थे, बल्कि यूं कहिए कि हम अपनी अमानत कुछ देर के लिए आपके पास छोड़े जा रहे हैं। और फारूक मियां याद रखिएगा कि कोई भी इसे हमेशा के लिए हमारे घर की बहू बनने से रोक नहीं सकेगा। जी क्या किया बेटा? कुछ गलत नहीं किया मैंने। मुजरिम बन के सलाखों के पीछे खड़ी हो और कहती हो तुमने कुछ गलत नहीं किया। प्यार करना अगर जुर्म होता तो हर शख्स मुजरिम होता। आप जाएं यहां से। बिस्मा बेटा तुम्हें यहां देखकर मैं तो टूट गई। तुम्हें इस हालत में देखकर मेरे तो पांव के नीचे से जमीन निकलती जा रही है। बस बस बहुत हो गया। अगर हमदर्दी करने के लिए आई ना तो जाए यहां से। कोई जरूरत नहीं है मुझसे झूठी सच्ची हमदर्दी करने की। आंटी आप प्लीज घर जाएं, ये बहुत जिद्दी है। बेटा बेटा तुम ही इसे कुछ समझाओ, तुम्हारी तो दोस्त है, तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती रही है। आंटी मैंने उसको समझाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन ये इतनी जिद्दी है। इसको मैंने बोला कि अपने जुर्म कबूल कर ले, लेकिन ये न जाने किस मिट्टी की बनी है। बीबी जान, विष्णु ने जो कुछ भी किया वह आज के प्यार में किया। आपको जो सजा देनी है मुझे दे ले, लेकिन प्लीज विष्णु को किसी तरह वापस बुला ले। शमा तुम्हारी बेटी विष्णु को लाना इतना आसान काम नहीं है। मेरी वकील से बात हुई है, वो मुझे बता रहा था कि विष्णु जिन मुजरिमों के साथ मिली हुई है उनके जुर्मों की फहरिस्त बहुत तवील है। लेकिन बीबी जान वो तो उन सबके साथ शामिल नहीं है। शमा कोई पेशावर मुजरिम हो ना, वो भी अपने घर में चोरी नहीं करता। अरे बिश्मा ने तो इखलाक और इंसानियत पर जुल्म की हर हद को अबूर कर लिया। आप माफ कर दे मुझे और मेरी बेटी को। देखो वहां जो कुछ भी है तो हमारा खून ना। हम तो पहले भी आपके ताबे हैं बीबी जान। मैं और मेरी बेटी सारी जिंदगी आपकी गुलामी करेंगे। बस आप किसी तरह मेरी बेटी को छुड़वा दे। बस समरीन तुम जाओ और वकील को फोन करो जाके। जाओ तो वकील साहब 15 दिन हो गए हैं, मेरी बच्ची की जमानत नहीं हुई। देखें पुलिस ने जिस तरह केस को पुट अप किया है उससे अदालत ये मानती है कि बिश्मा उस बड़े गैंग का हिस्सा है, लिहाजा फिलहाल अदालत से जमानत नामुमकिन दिखाई दे रही है। लेकिन वकील साहब कोई रास्ता तो होगा ना? रास्ता तो है लेकिन आप लोग शायद मानेंगे नहीं। वकील साहब जो भी रास्ता है आप हमें बताएं, बस मेरी बच्ची वापस आनी चाहिए। हम बड़ी से बड़ी रकम देने को तैयार हैं। बस तो मुझे उन्हें अदालत में स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट करार देना होगा। वकील साहब अगर यही रास्ता है तो फिर आप यही कीजिए। जी जरूर, इसके बाद मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। मेरी बच्ची पर तो जिंदगी भर का दाग लग गया है। दाग? शमा तुम्हारी बेटी तो इस खानदान पे वो दाग लगा के गई है कि सारी जिंदगी धोएंगे तो नहीं उतरेगा। अरे तुम डरी नहीं? मैं पहले जैसी लारेब नहीं रही। एबी अपनी लारेब कितनी संजीदा हो गई। निचोर हो गई है, धूमा हो गए,
राफिया को गए हुए अभी तक नहीं आई हूँ। कैसे आएगी वापस? अपने किए की सजा मिली है उसे। इरफान तो माफ करने को तैयार ही नहीं। मैं फारूक भाई से बात करती हूँ। अच्छा, तो फिर तो भाई हमें आप बिल्कुल भी पसंद नहीं आएंगी, है ना? अरे अब इतनी भी नहीं बदली। तारिब, आज कितने अरसे के बाद ऐसा लग रहा है जैसे हमारी पुरानी लारेब वापस आ गई है। ना तो इरफान राफिया को माफ करने के लिए तैयार है और ना ही राफिया अपनी जिद छोड़ने को तैयार है। मैं चाहती हूँ कि लारिब की शादी से पहले पहले राफिया इस घर में आ जाए, अगर आप भी जा सकते हैं। आप ये बात मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? इरफान से पूछिए, अगर वो उसके साथ खुश है तो फिर ठीक है। उससे गलती हुई है, लेकिन आजकल के बच्चे अपनी गलती कहाँ मानते हैं। हम अपने नेगेटिव इमोशंस के गुलाम हो चुके हैं, बड़ी से बड़ी गलती करके भी पछताते हुए शर्माते हैं। नहीं, मेरी बात हुई है उससे, उसे एहसास है अपनी गलती का। बच्चे तैयार हो गए? जी, वो सारे खुश मायना देखे। पापा, सारे अरेंजमेंट्स कंप्लीट हो गए। देखो बेटा, राफिया माफी मांगने को तैयार है। पापा, मैं उसे माफ करने के लिए तैयार नहीं हूँ। बेटा, वो 2 महीने से अपने किए की सजा भुगत रही है। उसका जुर्म इन 2 महीनों की सजा से बहुत ज्यादा था। देखो बेटा, माफी तो खुदा भी दे देता है, और घर की बहू अगर घर में ही रहे तो अच्छा है। वो तुमसे प्यार करती है बेटा। हमें आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ। तो कम से कम अपने होने वाले बच्चे को छत तो दे सकते हो। देखो लारेब, देखो बाहर सब कितने खुश हैं। ये सब लोग तुम्हारी वजह से खुश हैं, तुम्हारे लिए खुश हैं। तुम भी खुश हो जाओ ना लारे। तुम आज की होना चाहती थी, देखो आज तुम फिर से उसकी होने जा रही हो। माजी में जो कुछ भी हुआ है ना, उसे भूल जाओ। अपनी आने वाली जिंदगी की खुशियों के बारे में सोचो। लाइफ इज सो अनप्रडिक्टेबल, कभी कभी वो सब कुछ हो जाता है जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बट ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। अरे अब तुम मुझसे कभी दूर नहीं जाओगे।
ये तो तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने फारूक साहब से वादा किया था कि जो ही बिश्मा मेंटल हॉस्पिटल से वापस आएगी वहाँ आज उसे कानूनी तौर पर डाइवोर्स दे देगा। बीबी जान, ये सब मुझसे नहीं होगा, ये बहुत मुश्किल है। वहाँ लेकिन ये करना तो पड़ेगा ना। जाओ बिश्मा को बुला के लाओ। बीबी जान मैं कर दूंगा, लेकिन मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकता। मैं भी तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। बिश्मा बेटा, मैं तुम्हारे एहसासात को समझती हूँ। आखिर को तुम भी मेरा खून हो, लेकिन बाज़ औक़ात हम सब बहुत मजबूर हो जाते हैं। सॉरी नहीं कहोगे बाहर? सॉरी कहना तो बनता है ना। एक बार सॉरी कह देते तो जी हल्का हो जाता। मैं I'm sorry बिश्मा, तुमसे नहीं, मुझे बाहर से सॉरी सुनना है। मैंने जो कुछ भी किया वह आज की वजह से किया। इसकी मोहब्बत ने मुझसे सब कुछ करवाया। क्या मतलब? तुम ये भी कहोगी इसकी उम्मीद मेरे मामा पापा ने और बड़े पापा ने मुझे बहुत लाडों में पाला है। सब कुछ दिया, दुनिया की हर खुशी,
हर राहत मुझे पालने से निकलने ही नहीं दिया। बस इसी लाज प्यार में एक गड़बड़ हो गई, मैं इंसानों को पहचान ही ना सकी। पहले मैं सिर्फ बेटी थी, फिर बीवी बनी और अब माँ। मैं भी इसे इतना ही प्यार दूंगी जितना बचपन में मुझे मिला, लेकिन एक बात इसे जरूर सिखाऊंगी, इंसान की पहचान। हाँ, ये जरूर सिखाऊंगी। टूटे दो नैनों के धारे, टूटे लेखों के सितारे, और गंवाया अपने हिस्से का चांद भी। लाखों सदके भी उतारे, मन्नतों के ढेर सारे, दे ना पाए मुझसे मांगी मुराद भी। यही होना था तो मुझे रोना था, जो अब यूं तो समझ न आए अब तक मैं हाय फिर क्यों लाडों में पली।